Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to continue the chapter 3, which is human reproduction, with lecture number 8, in which we will discuss about the gametogenesis in female, which is known as oogenesis. So guys, इससे पहले already 7 lectures इस chapter के upload हो चुके हैं. अगर आपने वो videos नहीं देखी हैं, तो description box के अंदर मैंने already इस chapter की playlist का link आपको provide कर दिया है. बाकी के previous सारे lectures आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. उसके अलावा अगर आपको क्लास 11th या क्लास 12th का कोई चैप्टर पढ़ना है तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाकर के उसे पढ़ सकते हैं. या फिर अगर आपको कोई भी चैप्टर नोट्स के साथ पढ़ना है या फिर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल की लिंक भी मैंने आपको दे रखी है, आप जाकर के उसे जरूर देखें, वहां से आपको अच्छे नोट्स मिलेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए. सो जो बच्चे नीट एम्स जिपमर 2020 एंड 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन विद द बेस्ट नोट्स पॉसिबल फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को अभी के अभी आप सब्सक्राइब कर लें. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. इतना इंट्रोडक्शन बहुत है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया है. और अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो जाकर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं. सो गाइस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट इज नोन एज ओजेनेसिस. यानी कि एक मेच्योर फीमेल गैमीट, मुझे आप बताइए फीमेल गैमीट क्या होता है? बिल्कुल सही, ओवम, राइट. और मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म. सो हम यहां पर लिख लेते हैं कि जो फीमेल गैमीट है इट इज ओवम, राइट. और जो मेल गैमीट है इट इज स्पर्म. सो जनरली हमने क्या पढ़ा था, जैसे हमने पढ़ा था कि मेल्स में स्पर्म के फॉर्मेशन को कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, राइट. गैमिटोजेनेसिस क्या होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गैमीट्स का बनना, ओके. तो मेल गैमीट जब बनता है मेल्स के अंदर, प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्माटोजेनेसिस. तो आप मुझे बताइए कि फीमेल के अंदर जब ओवम का फॉर्मेशन होगा, यानी कि फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को बोलेंगे ओजेनेसिस. क्लियर है? बिल्कुल. सो गाइज, उसके बाद लिखा हुआ है इट इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्माटोजेनेसिस. इसका मतलब क्या है कि ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस इनमें पूरा पूरा डिफरेंस है, ओके. हालांकि ये चीज इनके बारे में सेम है कि ये प्रोसेस जो है ये क्या बना करके देते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट. ओजेनेसिस में फीमेल गैमीट ओवम बनता है और स्पर्माटोजेनेसिस में मेल गैमीट स्पर्म बनता है. उसके अलावा सारे फंक्शन, ठीक है, बनने का तरीका और जो इनकी कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ, जो इनका पूरा प्रोसीजर है, वो सब एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है. इसलिए लिखा हुआ है इट इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्माटोजेनेसिस, ओके. नाउ ओजेनेसिस इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट मदर सेल, जिनको हम क्या कहते हैं, ओगोनिया, ठीक है, ये जर्म सेल्स होती हैं, दे आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी. नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पेज. यानी कि इस पैरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आ जाता है दैट नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ. इसका मतलब क्या है, देखिए, फीमेल्स में जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होती है, यानी कि फीटस की अवस्था में होती है फीमेल, तो ओवरी के अंदर डिसाइड हो चुका होता है कि ये सब सेल्स जो हैं, ये यानी कि कितने सेल क्या बनाएंगे, ओवम बनाएंगे. और वो सेल जो ओवम बनाएंगे उन्हीं को कहते हैं फीमेल गैमीट, सॉरी, उन्हीं को कहते हैं हम फीमेल गैमीट मदर सेल, जिनका नाम है ओगोनिया, ठीक है. तो फीमेल की बॉडी के अंदर एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही, फीटस की अवस्था में ही डिसाइड हो चुका है ओवरी के अंदर कि कितने सेल हैं जिन्हें क्या करना है, जिन्हें ओवम को बनाना है. एक बार देखो, जब बच्ची का जन्म हो जाता है, एक फीमेल का जन्म हो जाता है, उसके बाद उसमें ओगोनिया नहीं बनते हैं, वो जन्म से पहले ही बनते हैं, राइट. बिल्कुल सही, गेस्टेशन पीरियड के अंदर ही वो बनते हैं. ये चीज समझ में आ गई. फीमेल्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं वो जब फीटल अवस्था में होती हैं तभी वो बनेंगी, ठीक है. तब वो किस फॉर्म में होंगी, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो बन रही हैं तो डायरेक्ट तो हमें ओवम मिलेगा नहीं, राइट. क्या हमें डायरेक्ट स्पर्म मिल रहा था? बिल्कुल नहीं, स्पर्म डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, ओके. पहले काफी सारी स्टेजेस हो रही थी, उसके बाद लास्ट में स्पर्म बनता था जो उसके बाद अपनी पूरी जर्नी तय करता था. उसी तरीके से ओवम भी डायरेक्ट नहीं मिलता है,
सबसे पहले मिलता है प्रीमोर्डियल यूट्रिकल. क्या मिलता है? प्रीमोर्डियल यूट्रिकल. ठीक है, फिर उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है. ये कितने नंबर में होती है? ये लाखों के नंबर में होती है. आप बस समझते जाओ, ये एक स्टोरी है जो आपको समझनी है. फीमेल के अंदर जो जर्म सेल होती है वो जब फीटल अवस्था में होती है तभी वो प्रीमोर्डियल यूट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है. क्लियर है? बिल्कुल. ये प्रीमोर्डियल यूट्रिकल क्या होते हैं? ये लाखों के नंबर्स में होते हैं, राइट? वो सब जब प्रीमोर्डियल यूट्रिकल बन चुकी होती हैं, जो फ्यूचर में क्या करेंगी? ओवम को प्रोड्यूस करेंगी, ओवम को रिलीज करेंगी. ठीक है, तो हम उन सेल्स को, जो इनिशियल सेल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऊगोनिया सेल कहते हैं. ठीक है, जो शुरुआत में सेल है, राइट, ये शुरू वाली सेल है. इसके बाद ये बिल्कुल फाइनल सेल नहीं है, ये इनिशियल सेल है, ये आगे चेंज होती जाती है. क्लियर है? बिल्कुल. उसके बाद यहां पर देखो, ओगोनिया सेल बोलते हैं, ये जो ओगोनिया सेल है ये प्राइमरी यूट्रिकल बनाएंगी. अभी हमने कहा कि ओगोनिया सेल अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती हैं? प्राइमरी यूट्रिकल में कन्वर्ट कर लेती हैं. उसके बाद उससे प्रीमोर्डियल फॉलिकल बनता है, उससे फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, देन सेकेंडरी फॉलिकल से मिच्योर फॉलिकल बनेगा, या फिर मिच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं. ये सब बाद की बात है, अभी बस हमें इतना जानना है कि एक बार फीमेल का जब जन्म हो चुका है उसके बाद उसकी ओवरी में ओगोनिया ऐड नहीं होती है. क्लियर है? बिल्कुल. वो उम्र के साथ साथ कम होती रहती है, इसीलिए देखो हमने डिफरेंस पढ़ा था ना, याद है आपको, कि मेल्स के अंदर जो मेल जर्म सेल है वो क्या करती है? वो अपने आप को कॉन्टिन्यू डिवाइड करती रहती है, अपना नंबर बढ़ाती रहती है ताकि उससे वो स्पर्म को प्रोड्यूस कर सके, राइट? तो उसके अंदर कॉन्टिन्यू प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए मेल्स के अंदर ऐसी स्टेज नहीं आती है कि उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाए. एक ओल्ड एज का आदमी भी फादर बन सकता है, वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. वो बात अलग है दैट बिकॉज ऑफ एज दे आर नॉट केपेबल टू डू इट, बट उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं रुकता है, वो एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस है. लेकिन फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओगोनिया सेल है वो बर्थ के बाद बनती ही नहीं है. क्लियर है? बिल्कुल. ओके, वो बिल्कुल फिक्स नंबर है उनका, वो आगे ऐड होती ही नहीं है, बस उतनी ही सेल है जिनको रिप्रोडक्टिव लाइफ में चलाते रहना है पूरा. क्लियर है? बिल्कुल. कोई भी नई सेल नहीं बनेगी, ये लाइन आपके दिमाग में लिख जानी चाहिए. उसके बाद दीज सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज वन ऑफ द मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परेली अरेस्टेड एट दैट स्टेज, जिसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी ओसाइट. अब इसका मतलब क्या है? देखो, ओगोनिया सेल डिवाइड करते हैं, ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं. ओके, डिवाइड करने के बाद इनमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट होगा. क्लियर? बिल्कुल. मियोसिस फर्स्ट हुआ एंड मियोसिस फर्स्ट होने के बाद ये जो है किस स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं? प्रोफेज वन में. मियोसिस के प्रोफेज वन में ये क्या, जो किसकी बात कर रही हूं? प्राइमरी ओसाइट की. ये क्या हो जाते हैं? ये अरेस्ट हो जाते हैं स्टेज में. क्लियर है? बिल्कुल. और इस स्टेज में जब ये आकर के अरेस्ट हो जाएंगे, अब बर्थ के टाइम पे ये अरेस्ट हो चुके हैं, अब ये कब एक्टिव होंगे? जब प्यूबर्टी आएगी. क्लियर है? बिल्कुल. तो इस स्टेज में यहां पर ये अरेस्ट हो चुके हैं, रुक चुके हैं, मियोसिस वन के प्रोफेज वन में रुक चुके हैं, तो उन्हें हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी ओसाइट. उसके बाद ईच प्राइमरी ओसाइट देन गेट सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल. इसका मतलब क्या है? हर प्राइमरी ओसाइट के आसपास ग्रैनुलोसा सेल की लेयरिंग होती है. ग्रैनुलोसा सेल वो सेल होती है जो आसपास कवर को बनाती है. किसके आसपास? प्राइमरी ओसाइट के. इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं. बड़े ध्यान से सुनना, ये है आपका प्राइमरी ओसाइट. क्लियर है? इसके आसपास जो लेयर बनी है उस लेयर को बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट के आसपास है तो इसे बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल. और प्राइमरी फॉलिकल किससे बनी हुई है, किन सेल से बनी हुई है? उन सेल का नाम है ग्रैनुलोसा सेल. उसके बाद प्राइमरी ओसाइट, देखो प्राइमरी ओसाइट तो एक सेल था, राइट? उस सेल को अब बर्थ के टाइम से लेकर के प्यूबर्टी के टाइम तक उसको रुकना है, राइट? तो उसकी प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है. प्राइमरी ओसाइट तो एक सेल था, उस सेल को क्योंकि लंबे समय तक वैसा ही रहना है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेल्स उसको कवर करती हैं, राइट? उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं. और ये ग्रैनुलोसा सेल आपस में मिलके एक लेयरिंग बनाती हैं प्राइमरी ओसाइट के आसपास, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल. तो ये प्राइमरी फॉलिकल समझ में आ गया आपको. उसके बाद
यहाँ पर एक सेकेंड आप ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि किसका डायग्राम है, ओवरी का डायग्राम है। ओवरी के अंदर क्या क्या होता है वो देखते हैं। उसके बाद ब्लड वेसल्स के बाद आप प्राइमरी फॉलिकल देख रहे हैं, देन यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको एक कैविटी नजर आ रही है। ये एक कैविटी नजर आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफियन फॉलिकल भी देखने को मिल रहा है। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ग्राफियन फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है? सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज करता है। उसके बाद जो बचा हुआ फॉलिकल बचता है, देखो ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल मिच्योर, मैंने क्या कहा था, मिच्योर फॉलिकल को बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, क्लियर है। इस ग्राफियन फॉलिकल ने किसको रिलीज कर दिया? सेकेंडरी ऊसाइट को रिलीज कर दिया। सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज करने के बाद जो बचा हुआ फॉलिकल है, क्लियर, जो बचा हुआ फॉलिकल है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर लेता है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। उसके बाद ये ओवम यहाँ पे रिलीज हुआ, ये तो बाद की बात है, लेकिन डायग्राम में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, राइट। तो चलिए वापस से आ जाते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ दोस फॉलिकल्स, जो देखो ये प्राइमरी फॉलिकल जो बने थे उनमें से काफी सारे जो है वो डिजेनरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, ठीक है। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक आने में काफी, क्योंकि लाखों के नंबर में फॉलिकल्स होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। लेकिन जब तक वो फॉलिकल प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, प्यूबर्टी अटेन करने का टाइम होता है, उस समय तक लगभग कितने बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, ठीक है। ईच ओवरी में, दोनों ओवरी की बात नहीं कर रहे हैं, ईच ओवरी में, एक ओवरी में अराउंड 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं, क्लियर है बिल्कुल। उसके बाद द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड अ न्यूथिका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। याद रखिएगा कि पहले प्राइमरी ऊसाइट को जिस लेयर ने कवर किया उसे हमने बोला प्राइमरी फॉलिकल, ओके। उसके बाद क्या हुआ, प्यूबर्टी अटेन हुई, राइट। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक वो वैसे के वैसे रहे, उसी फेज में अरेस्ट रहे। उसके बाद क्या बना, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल्स के आसपास और कुछ ज्यादा लेयर्स आ गए। ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं इनके आसपास और लेयर्स कवर हो गई, ठीक है, किसकी, ग्रैनुलोसा सेल की। और जब ये इनके आसपास और ज्यादा लेयर कवर हो गई तो उसे हमने बोल दिया सेकेंडरी फॉलिकल, क्लियर है बिल्कुल। क्या बोल दिया, प्राइमरी फॉलिकल से मॉडिफाई होके क्या बन गया, वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। उसके बाद द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शरी फॉलिकल व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, ठीक है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी फॉलिकल और अपना साइज बढ़ाते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से थोड़ा और उसके अंदर लेयरिंग हुई तो वो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल ने अपना साइज और ज्यादा बढ़ाया और क्या बनाया, टर्शरी फॉलिकल को बनाया। टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम याद है, इसीलिए मैंने पहले आपको डायग्राम याद कराया था कि ये जो है ये है आपका टर्शरी फॉलिकल, और इस टर्शरी फॉलिकल के आसपास क्या लगा हुआ है, इसके अंदर एक कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसका नाम है एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम है, क्लियर है। उसके अलावा द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि जो अंदर वाली लेयर होती है उसको इनर थीका इंटरना कहते हैं। इंटरना से आपको याद रहेगा इंटरनल, इंटरना यानी कि अंदर वाली लेयर, उसके बाद एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्ना यानी कि बाहर वाली लेयर, क्लियर। तो यहां पर ये चीज बड़े ध्यान देने वाली होती है कि एंट्रम के आसपास ग्रैनुलोसा सेल होती है, देन थीका लेयर बनती है उससे। थीका का मतलब क्या है, काफी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि थीका का मतलब क्या होता है। थीका का मतलब होता है एक कवर जिसका आउटर पार्ट होता है, उस आउटर पार्ट को कहते हैं आउटर थीका, क्लियर। देखो ये थीका बन गया, इसके आउटर पार्ट को बोल दिया आउटर थीका एक्सटर्ना और इनर पार्ट को बोल दिया इनर थीका इंटरना, क्लियर है बिल्कुल। उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि यहाँ पर आपकी अटेंशन जरूरी है, यहाँ पे आपको बड़े ध्यान से सुनना है, दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट द प्राइमरी ऊसाइट विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज। अब तक
अब तक क्या हो रहा था कि प्राइमरी ओसाइट बिल्कुल प्रोटेक्शन की लेयर में थे, बिल्कुल एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर थे। ग्रैन्युलोसा सेल से क्या हुआ था, प्राइमरी फॉलिकल बना था, प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर और ज्यादा लेयर आई ग्रैन्युलोसा सेल की, तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, उसके बाद थोड़ी और लेयर्स आई तो टर्शरी फॉलिकल बना। लेकिन अभी तक उसके अंदर क्या है, अभी तक उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट प्रोटेक्टेड है। क्लियर? अब क्या होगा, अब ये स्टेज है जहां पर प्राइमरी ओसाइट अपने आप को टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही ग्रो करेगी, अपना साइज बढ़ाएगी। यही वो स्टेज होता है जब टर्शरी फॉलिकल बनता है, उसके आसपास थीका बन चुका होता है, और उसके बाद तब टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो है वो प्राइमरी ओसाइट अपने मियोसिस का फर्स्ट डिविजन पूरा करती है। क्योंकि हमने पढ़ा था मियोसिस के फर्स्ट डिविजन का प्रोफेज वन में ही जो स्टेज है उसी में प्राइमरी ओसाइट रुक गए थे, यानी कि मियोसिस पूरा नहीं हुआ था। तो वो मियोसिस कहाँ आकर के पूरा हुआ है, इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर। क्लियर है? उसके अलावा प्राइमरी ओसाइट ने जब अपना मियोसिस का फर्स्ट डिवीजन पूरा किया है तो उसने किस तरीके से किया है, इट विल कंप्लीट इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और उसने इस मियोटिक डिवीजन को अनइक्वल डिवीजन के रूप में किया है। अनइक्वल डिवीजन के रूप में क्यों किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर एक अनइक्वल डिवीजन होता है, छोटे साइज की जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो बनती है, उसके अलावा एक बड़ा साइज का सेकेंडरी ओसाइट बनता है। याद रखिएगा अगर ये टर्शरी फॉलिकल है तो इसके अंदर अगर डिवीजन होगा तो क्या होगा, इससे अगर मैं दो डिवीजन करूं तो कुछ इस तरीके से एक पोलर बॉडी बन गई और एक क्या बनी, बिल्कुल सही, एक बना सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, क्योंकि इस टर्शरी फॉलिकल के अंदर था प्राइमरी ओसाइट, राइट? तो ये प्राइमरी ओसाइट जब डिवाइड हुआ तो एक इसने बनाई बिल्कुल पोलर बॉडी और एक इसने बनाई सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, तो ये ना बहुत ही ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है कि ये वाली पोलर बॉडी क्यों बनी और ये वाली बड़ी बॉडी क्यों बनी, इसलिए क्योंकि देखो जो स्पर्म है वो कैसा आया है, वो स्पर्म आया है उसके अंदर बिल्कुल साइटोप्लाज्म नेग्लिजिबल है। ठीक है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, लेकिन किसी चीज को अगर डिवाइड करना है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होना इंपॉर्टेंट है। वो साइटोप्लाज्म मिलता है इससे, किससे मिलता है, सेकेंडरी ओसाइट से। इसलिए यहां पर जो टर्शरी फॉलिकल है उसने डिवाइड किया अनइक्वली, ताकि एक जो है अगर बिल्कुल बराबर डिवाइड करते तो ये दो बन जाते। ठीक है, तो क्या होता, साइटोप्लाज्म इनफ नहीं होता, रिच न्यूट्रिएंट नहीं होते और ये सरवाइव नहीं कर पाता। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है, वही लिखा हुआ है दैट The unequal division result in the formation of a large haploid secondary oocyte, यानी कि एक बड़ा secondary oocyte बनता है और एक छोटा पोलर बॉडी बनता है। क्लियर है? बिल्कुल। नाउ उसके आगे क्या होता है, द सेकेंडरी ओसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म इन द प्राइमरी ओसाइट। इसका मतलब क्या है, सेकेंडरी ओसाइट में बड़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है जो ठीक है, वो किसका साइटोप्लाज्म है, प्राइमरी ओसाइट का, क्योंकि कौन डिवाइड किया है, प्राइमरी ओसाइट ने डिवाइड किया है। क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस, कि यहां पर ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ है, एक बड़ी बॉडी बनी है एक छोटी बॉडी बनी है, क्या आप इसका कोई एडवांटेज देख पा रहे हो? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं, हमने आपको पहले ही समझा दिया ये कि फॉर द बिगिनिंग ऑफ लाइफ इफ यू वॉन्ट टू बिगिन अ लाइफ द मोर साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट इज नीडेड, क्योंकि जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनना है, क्योंकि आगे जाके यही साइटोप्लाज्म जाइगोट को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेगा उसके अंदर। ठीक है, इसलिए दो इक्वल डिवीजन यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, अनइक्वल डिवीजन से ही एक पर्टिकुलर बॉडी को सर्वाइव कराया जाएगा। राइट है? बिल्कुल। उसके बाद Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? अभी हमने पढ़ा कि जो टर्शरी फॉलिकल है उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट थे, उन्होंने जब डिवाइड किया तो एक छोटी पोलर बॉडी बनी और एक बड़ी सेकेंडरी ओसाइट बनी। सेकेंडरी ओसाइट जो बनी उसका काम हमें आगे पता है, वो क्या करेगी, जो रिलीज करेगी किसको, आगे ओवम को रिलीज करेंगे। लेकिन जो ये पोलर बॉडी बनी इसका क्या हुआ, तो इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है डिजेनरेट हो जाती है, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो है वो डिवाइड हो जाती है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कंफ्यूजन है, कुछ रियल इसका आंसर अब तक नहीं मिल पाया है। राइट, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन। देखो एनसीईआरटी ने भी बताया है कि हम इस क्वेश्चन के बारे में कि जो आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, छोटी पोलर बॉडी बनी थी, इसका क्या होता है, तो इसके बारे में अभी किसी को नहीं पता है, सब अभी कंफ्यूज हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ओके, सो जब इसके बारे में एनसीईआरटी ने खुद ही लिख दिया है तो इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम आगे चलते हैं। द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल। जो टर्शरी फॉलिकल है
वो आगे चेंज होगा किसमें, टर्शरी फॉलिकल आगे चल के मेच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट। तो चीजें इसीलिए आपको समझ आती हैं जब आप पहले पूरी स्टोरी सुनोगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। द सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन, जो सेकेंडरी ओसाइट अब बन चुका है उसके आसपास, उसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, उसको भी एक प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, तो उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है, नई मेम्ब्रेन बनती है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा। क्लियर, ठीक है। क्या होगा कि ग्राफियन फॉलिकल है यहां पर, उसके अंदर प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट बन चुका है, सेकेंडरी ओसाइट के आसपास एक मेम्ब्रेन बनती है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। क्लियर। नाउ द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट, जिसको हम ओवम बोल रहे हैं, लेकिन कभी भी फीमेल्स के अंदर डायरेक्टली ओवम नहीं रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और इसी सेकेंडरी ओसाइट के ओवरी से रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट यानी कि ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। और एक और चीज कि फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का बनना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में ओजेनेसिस और ओव्यूलेशन के बारे में। ओव्यूलेशन क्या है, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, और ओजेनेसिस क्या है कि किसका बनना, बिल्कुल सही, ओवम का बनना। द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज नोन एज ओजेनेसिस। क्लियर है। तो अब इन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया, कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। क्या आप अब स्पर्माटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के अंदर डिफरेंस बता सकते हो, जो मेजर डिफरेंस होंगे? हाँ भाई, हम बिल्कुल बता सकते हैं। देखो सबसे पहली बात कि मेन डिफरेंस तो यही आ जाता है, एक सेकेंड, मेन डिफरेंस तो यही आ जाता है कि यहां लिख लेते हैं स्पर्माटोजेनेसिस, ठीक है, आप प्लीज इसे लिख लीजिए स्पर्माटोजेनेसिस, और यहां लिख लेते हैं ओजेनेसिस। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके बीच में डिफरेंस कर दें एक बार। जनरली क्या होता है कि जो लोकेशन है, ठीक है, मेल गैमेट के बनने की, वो है टेस्टिस। मेन डिफरेंस तो यही है कि टेस्टिस के अंदर बनता है। क्लियर। और जो फीमेल है उनके अंदर फीमेल गैमेट कहां बनेगा, बिल्कुल सही, ओवरी के अंदर बनेगा। ओके, उसके अलावा एक और डिफरेंस जो मेन मैंने आपको बताया था कि जो इनका बिगिनिंग प्रोसेस है वो कब होता है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद स्पर्म्स जो हैं वो बनने शुरू होते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर जो ओवम है, इट बिगिंस यानी नॉट ओवम द प्राइमरी ओसाइट, इट बिगिन ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। क्लियर है बिल्कुल। उसके अलावा जो टाइमिंग, जो गैमेट फॉर्मेशन का टाइमिंग है, वो मेल्स के अंदर यानी कि स्पर्माटोजेनेसिस के प्रोसेस में कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है, वो किसी भी टाइम पे होता है, लेकिन फीमेल्स के अंदर वंस अ मंथ, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। उसके बाद जो एंड प्रोसेस है कि स्पर्माटोजेनेसिस या ओजेनेसिस एंड कब होते हैं, तो स्पर्माटोजेनेसिस जो है वो कैसा है, वो उसकी कोई वो ही नहीं है, एंड लाइफ ही नहीं है, ठीक है। फर्टिलिटी की जो लाइफ लॉन्ग है, फर्टिलिटी जो है यानी कि स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है, फर्टिलिटी इज लाइफ लॉन्ग, ठीक है, ये कभी भी कम नहीं होती है, हमेशा बनते रहेंगे, लेकिन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। जो फर्टिलिटी है, जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है, इट स्टॉप्स एट मेनोपॉज। कब होती है, मेनोपॉज पे ये स्टॉप हो जाती है। क्लियर है बिल्कुल, क्लियर है, ओके। उसके बाद पांचवा डिफरेंस क्या आ जाएगा कि जो मियोटिक डिवीजन है, मियोटिक डिवीजन जो है, हमने अभी देखा मियोटिक डिवीजन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पर्माटोजेनेसिस में अनइंटरप्टेड होता है। कैसा होता है, अनइंटरप्टेड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो जो मियोसिस है, ठीक है, वो यहाँ पर होता रहता है, कभी रुकता नहीं है, लेकिन फीमेल्स के अंदर उसके अंदर अरेस्टेड स्टेज भी आती है। कौन सी स्टेज आती है, अरेस्टेड स्टेज भी आती है, यानी कि प्रोफेज वन में वो अरेस्ट हो रहे थे, फिर बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक वो रुक रहे थे, फिर प्यूबर्टी के बाद वहां पे सेकेंडरी ओसाइट बनने शुरू हुए थे। तो ये पांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं, आप इन्हें प्लीज याद रखिएगा ताकि आप लोग आगे जाके कभी भी इन चीजों को ना भूलो, ठीक है। तो ये डायग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक बार यहां पर देख लेते हैं। ये सारी लेयर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हमने अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर किया है हम उसे देखते हैं। ये देखिए प्रीमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से बनने से पहले प्रीमोडियल फॉलिकल बनते हैं, फिर उसके बाद
प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, बिल्कुल सही, सेकेंडरी ओसाइट जब बनता है, ठीक है, जब ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट को बना लेता है तो जो बचा हुआ फॉलिकल है वो क्या बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, ग्रैन्युलोसा सेल्स भी देखने को मिल रहे हैं ओसाइट। देखो ओसाइट के आसपास जो सेल की लेयर है वो कौन से सेल है, ग्रैन्युलोसा सेल है। क्लियर, बिल्कुल। ग्रैन्युलोसा सेल क्या करते हैं, लेयरिंग को बनाते हैं, जिस लेयरिंग को बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, जो आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल और देन आगे टर्शरी फॉलिकल में। क्लियर है, बिल्कुल। सो कुछ यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल की लेयर जो हमने, जिनके नाम अभी पढ़े, उनको हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, थीका इंटरस्टीशियल सेल, ठीक है, ये कौन सी सेल है, इंटरस्टीशियल सेल है, यानी कि जो बीच में, इंटरस्टीशियल का मतलब बीच में प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो कैविटी है जिसको हमने एंट्रम बोला था, उसके अलावा यहाँ पर आपको जोना पेल्यूसिडा लेयर भी देखने को मिल रही है। जोना पेल्यूसिडा कौन सी लेयर है, जो सेकेंडरी ओसाइट के आसपास बनती है, ठीक है, सेकेंडरी ओसाइट के आसपास जो एक मेम्ब्रेन बनती है उसे हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, एक्सटर्ना मतलब बाहर वाली लेयर, इंटरना मतलब ये अंदर वाली लेयर। क्लियर है, बिल्कुल। उसके अलावा मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, ये सारे जो है ये क्या होते हैं, ये ग्रैन्युलोसा सेल का मतलब एक ही काम होता है, कवरिंग प्रोवाइड करना। क्लियर है, बिल्कुल, जो कवरिंग को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आपके एग्जाम में, हम ऑलरेडी ये स्पर्माटोजेनेसिस वाला पढ़ चुके हैं, हमें इस पर ध्यान देना है, ये एग्जाम में मेडिकल एंट्रेंस में या फिर बोर्ड में यहाँ पर लेबलिंग के लिए आ सकता है, ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है जो आपकी हेल्प करेगा चीजों को समझने में। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी फीटल लाइफ है, यानी कि अभी बेबी का जन्म नहीं हुआ है, अभी ये फीटल लाइफ में हो रहा है जो भी हो रहा है, तो उसके अंदर ओगोनिया बन जाते हैं जो माइटोसिस करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी ओसाइट को बनाते हैं। उसके बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन यहां पर हो रहा होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ होता है। उसके बाद बर्थ होता है, फिर चाइल्डहुड का प्रोसेस होता है, देन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे यहां पर फर्स्ट डिवीजन जो है वो कंप्लीट होता है और उससे क्या बनते हैं, एक तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और एक सेकेंडरी ओसाइट बनती है, और इस वाले पोर्शन को जहां पे सेकेंडरी ओसाइट बनना शुरू हो चुका है, बन चुका है, उसको बोलते हैं एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। क्लियर है। उसके बाद इस सेकेंडरी ओसाइट से सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक ओवम बनेगा। क्लियर। तो ओवम को कौन रिलीज कर रहा है, सेकेंडरी ओसाइट। तो याद रखिएगा, फीमेल बॉडी के अंदर डायरेक्ट ओवम कभी रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, यानी कि हमेशा ओसाइट रिलीज होंगे, डायरेक्टली ओवम रिलीज नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक बार नोट्स में देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो, फीमेल्स के अंदर गैमीट बनने के प्रोसेस को कहते हैं ओजेनेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, उसके अंदर अब एक एक करके स्टेप लिखे हुए हैं, आप उसे पढ़ते जाइएगा। अगर आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो इन नोट्स से, जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर जो लेयर करके मैंने लिखा हुआ है, यानी कि स्टेप वाइज लिखा हुआ है, उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी पूरे प्रोसेस को समझने में। तो प्लीज नोट्स को नोट डाउन जरूर करो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ओगोनिया डिवाइडेड बाय माइटोसिस, माइटोसिस से डिवाइड होता है और ओगोनिया क्या बनाएगा, प्राइमरी ओसाइट को बनाएगा, जो कि जिसके प्राइमरी ओसाइट के आसपास क्या हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। किसकी लेयर बनेगी, ग्रैन्युलोसा सेल की बनेगी। ठीक है, और ग्रैन्युलोसा की सेल की जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके आसपास और भी कई सारी लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, और भी कई सारी लेयर्स आ जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी फॉलिकल जो है वो आगे आगे और मॉडिफाई होता है, उसके आसपास और ज्यादा लेयर्स आ जाती हैं, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में, विच इज कैरेक्टराइज्ड। अब टर्शरी फॉलिकल के अंदर, याद रखिएगा, और किसी फॉलिकल के अंदर नहीं, टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक कैविटी है जिसको हम कहते हैं एंट्रम। ठीक है, और ये फॉलिकल की एंट्रम है, फॉलिकल की कैविटी है, इसलिए इसको फॉलिकुलर एंट्रम कहा गया है। उसके बाद जो टर्शरी फॉलिकल है वो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, एक पूरे मैच्योर फॉलिकल में, और उसी मैच्योर फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। सो द फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल थ्रू वेरियस स्टेजेस, काफी सारे स्टेजेस से मिलके जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, फॉलिकुलोजेनेसिस। उसके बाद याद रखिएगा, जो फॉलिकल है जिसके अंदर ओसाइट है, जिसके अंदर क्या है, ओसाइट है, वो उसके आसपास एक लेयर होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम है
जोना पेल्यूसिडा, क्या नाम है? जोना पेल्यूसिडा। व्हेन द सराउंडिंग सेल फॉर्म अ सिंगल लेयर, जब ये सराउंडिंग सेल जो है सिर्फ एक सिंगल लेयर बनाते हैं तो उसे बोलते हैं फॉलिकुलर सेल। क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर सेल। लेकिन आगे जाके जब डेवलपमेंट होता जाता है, ये डेवलप होते हैं, दे विल फॉर्म काफी सारी लेयर, यानी कि सेवरल लेयर्स, और इसको हम क्या कहते हैं? ग्रैनुलोसा सेल। उसके बाद जो सराउंडिंग सेल हैं, आसपास के जो सेल हैं, उस डेवलपिंग, क्योंकि भाई नरिशमेंट ऑब्वियस ही बात है उस साइड को चाहिए होगा, सो उस डेवलपिंग उस साइड को जो नरिशमेंट है वो सराउंडिंग सेल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड दे विल बिगिन टू सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? ईस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं, ठीक है, ताकि फॉलिकल जो है वो और ज्यादा बड़ा ग्रो हो सके, उसका साइज बढ़ सके। देन द स्पिंडल सेल ऑफ द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स याद है ना, पढ़ाया था आपको, उसके जो सेल्स होते हैं वो एक और कवरिंग को वहां पे ऐड कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं थीका, जो कि फॉलिकल के आसपास होती है। ये फॉलिकल है, इसके आसपास कवरिंग आ जाएगी जिसको हम कहेंगे थीका। नाउ ये थीका जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा आउटर फाइबरस थीका एक्सटर्ना में और इनर सेलुलर थीका इंटरना में। याद रखिएगा, इनर थीका इंटरना यानी कि अंदर वाली लेयर, आउटर थीका एक्सटर्ना यानी कि बाहर वाली लेयर, एक्सटर्नल इंटरनल, इससे आप याद कर सकते हैं इजीली। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है अ स्टॉक और पेडिसिल, ठीक है, यानी कि स्टॉक या पेडिसिल आप इस तरीके से मान सकते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर डेवलप्स बिटवीन ऊसाइट और ग्रैनुलोसा लेयर, ग्रैनुलोसा लेयर और ऊसाइट। ग्रैनुलोसा लेयर क्या थी? जिसने ऊसाइट को कवर किया हुआ था, उन दोनों के बीच में एक स्टॉक डेवलप होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्यूम्यूलस ओवेरिकस या फिर क्यूम्यूलस ओफेरस। याद करिए एक बार आप, यहां पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, ये देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही, ग्रैनुलोसा सेल है यहाँ पर। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है? उसके अलावा आपको काफी सारी लेयर्स देखने को मिल रही हैं, राइट, क्लियर है बिल्कुल। जोना पेल्यूसिडा भी देखने को मिल रहा है, थीका फॉलिकल भी देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी, और कॉर्टेक्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। चलिए वापस चलते हैं अपने जहां पर हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो एक चीज मेरे को आपको बतानी थी जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो है क्यूम्यूलस ओफोरस, ठीक है। ये क्या है? देखो ये रही, जिसको ये कनेक्ट कर रही है, ठीक है, बाकी की लेयर से कनेक्ट कर रही है। तो ये चीज याद रखिएगा, क्यूम्यूलस ओफोरस कहाँ पर है, कहाँ पे प्रेजेंट है? लेयरिंग के लिए यानी कि लेबलिंग के लिए ये आ सकता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इट इज रिटन, एक सेकेंड, इट इज रिटन दैट ग्रैनुलोसा सेल लाइंग इन द क्लोज ऑफ द ऊसाइट, ठीक है, ऊसाइट के पास में जो ग्रैनुलोसा सेल हैं और जोना पेल्यूसिडा जो हैं वो आगे जाके इलोंगेट हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं? कोरोना रेडिएटा बना लेती हैं। क्या बनाती हैं? कोरोना रेडिएटा बनाती हैं। ऊसाइट या फिर आप देखो, कभी भी याद रखिएगा, फीमेल बॉडी के अंदर कभी भी ओवम डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, ऊसाइट रिलीज होता है, इसलिए ऊसाइट को हम यंग ओवम कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन द, किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवेरियन फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है। इट इज इन द मेटाफेज ऑफ मियोसिस सेकंड। नाउ जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होगी? वो तभी कंप्लीट होगी जब स्पर्म आएगा एंड इट विल पेनिट्रेट द ऊसाइट, क्लियर। दोनों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ऊसाइट का और जोना पेल्यूसिडा जो होता है, इट बियर आ रिसेप्टर प्रोटीन, जैसे कि फर्टिलाइजिन प्रोटीन की अगर हम बात करें, ताकि अगर आप चाहो किसी और एनिमल का स्पर्म जो है वो ह्यूमन की फीमेल बॉडी के साथ जो है फर्टिलाइज कराया जाए, तो ऐसा नहीं होता है। दोनों के बीच में केमिकल कॉम्पोजिशन होती है, स्पर्म ह्यूमन स्पर्म के बीच में और ह्यूमन एग के बीच में, उनके अंदर बिल्कुल कंपैटिबिलिटी होती है, केमिकल रिकॉग्निशन होता है, जिसकी वजह से वो पहचान पाते हैं कि ये उन्हीं की स्पीशीज का क्या है, उन्हीं की स्पीशीज का गैमेट है, राइट, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। याद है आपको पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन जैसे फ्लावर्स में होता है, वैसे यहां पर भी होता है, क्लियर। नाउ द ग्राफियन फॉलिकल, अब क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा किसके इन्फ्लुएंस में? FSH, ठीक है, FSH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, और इस FSH को कौन रिलीज कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसके फॉलिकुलर सेल किसको सिक्रीट करेंगे? ईस्ट्रोजन को, और ईस्ट्रोजन का काम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां पर हम पढ़ चुके हैं, राइट। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? दैट ईस्ट्रोजन क्या है? आप सबके दिमाग में क्वेश्चन होगा, ईस्ट्रोजन का काम तो देख लिया, लेकिन ये है क्या? ईस्ट्रोजन जो है, इट इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन व्हिच नॉट ओनली मेंटेन द फीमेल सेक्स कैरेक्टर्स बट आल्सो प्रिपेयर द लाइनिंग लेयर ऑफ फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के बारे में, हम पूरा अच्छे से समझ चुके हैं उसको, उसकी जो लाइनिंग, उसकी जो लेयरिंग होती है वो किससे बनती है? ईस्ट्रोजन से ही बनती है, क्लियर है बिल्कुल, ताकि ओवम को वो रिलीज कर सके आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। देन द राइजिंग लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, जब
बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से कौन एक्टिवेट हो जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाएगा और वो किसको सिक्रीट करेगा, ज्यादा ज्यादा लेवल पे दूसरे हार्मोन को रिलीज करेगा जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन। नाउ जैसे ही LH का लेवल बढ़ गया बॉडी के अंदर, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ चुका है तो ग्रेफियन फॉलिकल जो है उसका सरफेस जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है, और उसका सरफेस इट विल सेंड आउट अ स्टिग्मा एंड एवर्ट्स टू रिलीज द ओवम इनटू अ पेरिटोनियल कैविटी। ताकि अब क्या होगा कि LH जो है वो बढ़ चुका है बॉडी के अंदर तो ग्रेफियन फॉलिकल का सरफेस बढ़ने लगेगा और वहां से क्या ओवम जो है वो रिलीज होने लगेगा और इसी ओवम के रिलीज होने को हम क्या कहते हैं, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवरी से ओवम का रिलीज होना क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन कहलाता है। क्लियर है बिल्कुल। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ओवेरियन आर्टरी और वेन है जो कि हाइलस में एंटर हो रही है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हैं जो हमने एनसीईआरटी के डायग्राम में देखी थी। देन आपको यहाँ पर प्रीमोडियल फॉलिकल्स दिख रहे हैं जो डेवलपमेंट का वेट कर रहे हैं, यही प्रीमोडियल फॉलिकल्स आगे जाके प्राइमरी फॉलिकल्स बनेंगे। देन आपको यहाँ पर एंट्रल फॉलिकल यानी कि एंट्रम के अंदर आपको देखने को मिल रहा है जो अभी मेच्योरेशन के प्रोसेस में है, जो मेच्योर नहीं हुए हैं। याद करिए एंट्रम किसके अंदर प्रेजेंट होता था, बिल्कुल सही, एंट्रम जो है वो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता था। क्लियर है, ये मेच्योर प्रीवोलेटरी फॉलिकल है यानी कि कौन सा फॉलिकल है, टर्शियरी, सॉरी कौन सा फॉलिकल है, बिल्कुल सही ग्रेफियन फॉलिकल है, जिसके बाद क्या रिलीज होगा, बिल्कुल सही यहां से रिलीज होगा ओवम यानी कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। उसके बाद जो आपका ग्रेफियन फॉलिकल है उसने सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज कर दिया, बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ फॉलिकल है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर है ये चीजें, बिल्कुल एक एक चीज माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, पूरा डायग्राम क्लियर हो जाना चाहिए और एक एक लेयर का फंक्शन क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, लेकिन आपके दिमाग में एक भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। सो आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी और एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद जो लेक्चर नंबर 9 है वो जल्दी आएगा, उसी के साथ चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। विद दैट सेड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।